दोस्तों इंडियन क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और बॉलर यानी कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जो कि अपनी बैटिंग और बॉलिंग का लोहा पूरी दुनिया में मनवा चुके हैं, इनके बारे में सचिन तेंदुलकर ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हार्दिक टीम इंडिया के हिस्सा होंगे। हार्दिक के बारे में वीरेंद्र सहवाग ने तो यहाँ तक कर डाला कि हार्दिक पांड्या जब तक मैदान में है तब तक वो अकेले ही मैच को जिताने का दम रखते हैं। आज सक्सेसफुल खिलाड़ी है लेकिन हार्दिक ने पैसों की कमी के कारण बुरे दिन भी देखे हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की सक्सेस लाइफ स्टोरी के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे फाइनेंस प्रॉब्लम के चलते क्रिकेटर बनने का सफर शुरू किया। वीडियो शुरू करने से पहले अपने भाई का इंट्रोडक्शन भी जान लीजिए। सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो की शुरुआत करने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। 11 अक्टूबर 1993 को गुजरात के सूरत में हार्दिक पांड्या का जन्म हुआ। उनके पिता हिमांशु पांड्या जो कि एक छोटा कार फाइनेंस बिजनेस चलाते थे जिसे उन्होंने बंद कर दिया था। दोस्तों हार्दिक पांड्या की माँ का नाम नलिनी पांड्या है जो कि एक गृहिणी है। और दोस्तों जब हार्दिक पांड्या 5 साल के थे उस टाइम उनकी फैमिली बड़ोदरा में शिफ्ट हो गई। हार्दिक और उनके बड़े भाई कुणाल पांड्या दोनों को बचपन से ही क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक रहा है। दोस्तों दिलचस्प बात तो ये है कि उनके पिता हिमांशु पांड्या को भी क्रिकेट पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है, यानी कि पूरी फैमिली क्रिकेट लवर रही है। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट में अपना करियर बनाने का मन तब बनाया जब बचपन में उनके पिता उन्हें वडोदरा में मैच देखने के लिए ले गए। उसके बाद 5 साल की एज में ही हार्दिक ने क्रिकेट में दिलचस्पी लेना शुरू किया और क्रिकेट में ही अपना करियर बनाने का ठान लिया। फिर दोस्तों हार्दिक पांड्या का बड़ोदरा में किरण मौर्य इंटरनेशनल एकेडमी में अपने भाई कुणाल के साथ दाखिला करवाया। उस टाइम कुणाल 7 साल के थे। हार्दिक की फैमिली में फाइनेंशियल इशू के चलते वे वडोदरा के गौरवा में किराए के मकान में रहते थे। उनके घर से क्रिकेट के मैदान काफ़ी दूर था इसलिए हार्दिक को उनके पापा ने एक सेकेंड हैंड कार लाकर दी। उस कार से हार्दिक क्रिकेट मैदान जाते थे। दोस्तों हार्दिक पांड्या को अपने टीनेज यानी कि किशोरावस्था में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उनके पिताजी को 3 बार हार्ट अटैक का सामना भी करना पड़ा। इसी के कारण उनके पिता को अपनी नौकरी तक छोड़नी पड़ी। हार्दिक ने अपनी स्कूली एजुकेशन MK हाई स्कूल बड़ोदरा से की और दोस्तों हार्दिक पांड्या ने 9th क्लास के बाद स्कूल छोड़ दी और इन्होंने पूरा फोकस अपने क्रिकेट करियर में लगा लिया। हार्दिक ने क्रिकेट में जूनियर लेवल पर काफ़ी तरक्की की और उन्होंने क्लब क्रिकेट में वनडे मैच में बहुत सारे मैच भी जीते। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें एटीट्यूड प्रॉब्लम्स की वजह से स्टेट एज ग्रुप टीम से हटा दिया गया था। उन्होंने कहा कि वे एक्सप्रेसिव चाइल्ड थे, उन्हें इमोशन छिपाना पसंद नहीं था। दोस्तों हार्दिक पांड्या लेग स्पिनर के रूप में खेलते थे। फिर दोस्तों बड़ोदरा में लोकल लीग मैचों में से एक में उनकी टीम में एक तेज गेंदबाज की कमी थी। पूर्व इंडियन क्रिकेटर किरण मौर्य ने उन्हें तेज गेंदबाज के रूप में खेलने के लिए कहा और हार्दिक पांड्या ने तुरंत गेंदबाजी को एक्सेप्ट किया। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने उस मैच में 7 विकेट लेकर सभी को हैरान कर दिया, चौंका दिया। इसके बाद हार्दिक ने लेग स्पिनर से लेकर मीडियम तेज गेंदबाजों तक की गेंदबाजी में बदलाव किया। दोस्तों किरण मौर्य ने अपनी एकेडमी में पहले 3 साल तक उनसे कोई फीस ना लेकर हार्दिक पांड्या की बहुत हेल्प की। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अहमदाबाद में सैयद अली ट्रॉफी के लिए 2013 में मुंबई के अगेंस्ट बड़ोदरा टीम से T20 में डेब्यूट किया। सो दोस्तों हार्दिक पांड्या को अपने क्रिकेट करियर में पहली सक्सेस तब मिली जब जॉन राइट ने उनमें ऑलराउंडर के रूप में ग्रेट प्लेयर देखा। तब हार्दिक को 2015 में 10 लाख रुपए के बेस्ट प्राइस पर मुंबई इंडियंस की IPL टीम में सिलेक्ट किया गया। इसके बाद हार्दिक पांड्या की किस्मत बदल गई और उनकी मेहनत इतनी दमदार रही कि उनका टीम इंडिया में खेलने का ड्रीम भी पूरा होने लगा। जी हाँ दोस्तों, साल 2016 में हार्दिक पांड्या को इंडियन क्रिकेट टीम में खेलने के लिए सिलेक्ट किया गया। उन्होंने टीम इंडिया में अपना फर्स्ट डेब्यूट 26 जनवरी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट एडिलेड ऑस्ट्रेलिया में खेला। अगर दोस्तों हार्दिक पांड्या के ODI यानी कि वनडे इंटरनेशनल मैच डेब्यूट की बात करें तो इन्होंने 16 अक्टूबर 2016 को न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना फर्स्ट ODI खेला। 26 जुलाई 2017 को हार्दिक ने श्रीलंका के अगेंस्ट मैच से अपना टेस्ट क्रिकेट डेब्यूट किया।
इसके बाद लगातार टीम इंडिया के लिए शानदार परफॉर्मेंस क्रिकेट मैदान पर कर रहे हैं हार्दिक। फिर साल 2018 में इंडियन प्रीमियर लीग IPL की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को 1 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदा। उनकी फैमिली में हार्दिक की सक्सेस से खुशी की लहर आई उस टाइम। दोस्तों हार्दिक के बड़े भाई कुणाल पांड्या भी एक इंटरनेशनल क्रिकेटर है। दोस्तों हार्दिक पांड्या की बेस्ट क्रिकेटिंग मेमोरी साल 2016 के ICC वर्ल्ड T20 में बांग्लादेश के अगेंस्ट टीम इंडिया का आखिरी ओवर जो हार्दिक पांड्या कर रहे थे, जब बांग्लादेश को 3 गेंदों में सिर्फ 2 रन चाहिए थे, फिर भी इस मैच में टीम इंडिया के 1 रन से जीत हुई। आज इसी संघर्ष की बदौलत हार्दिक पांड्या के करोड़ों फैंस हैं। तो दोस्तों ये थी हार्दिक पांड्या की बायोग्राफी। अब इन दिनों जिस कारण से सुर्खियों में है हार्दिक पांड्या, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक अपनी फिल्मों के अलावा टीम इंडिया के क्रिकेटर हार्दिक पांड्या को लेकर काफ़ी सुर्खियों में रही है। जनवरी में नताशा ने क्रिकेटर हार्दिक पांड्या से सगाई कर सबको चौंका दिया था। दोनों के सगाई के वीडियोज और फोटोज सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियों में रहे थे। इसके बाद दोनों ने अचानक शादी की बात से हर किसी को हैरान किया। इसके साथ ही हार्दिक पांड्या और नताशा ने ऐलान किया कि उनके घर जल्दी ही नन्ना मेहमान आने वाला है। एक्ट्रेस ने हार्दिक पांड्या के साथ अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की, जिनसे एक में नताशा का बेबी बम्प भी नज़र आ रहा था। हालांकि इन तस्वीरों को शेयर करते हुए दोनों ने इस बात का जिक्र नहीं किया था कि दोनों ने लॉकडाउन के बीच शादी रचा ली है, जिसके चलते इन तस्वीरों ने काफ़ी सस्पेंस क्रिएट कर रखा था। इस फोटो में हार्दिक पांड्या और नताशा दोनों ही ट्रेडिशनल वियर में नज़र आ रहे हैं। फोटो में हार्दिक और नताशा गले में माला पहने कैमरे और इंडियन अटायरमेंट दिख रहे हैं। इस फोटो को देखकर कई लोगों का कहना है कि यह दोनों की शादी की तस्वीर है। दोनों ने लॉकडाउन के बीच शादी रचा लिया, किसी को कानो कान खबर तक नहीं पहुंची। और दोस्तों 30 जुलाई 2020 को एक्ट्रेस नताशा ने एक बच्चे को जन्म दिया और इसी के साथ हार्दिक पांड्या और नताशा पेरेंट्स बने। हाल ही में हार्दिक के बेटे का नाम रखा गया है। उन्होंने अपने बेटे का नाम अगस्त्य रखा है। तो दोस्तों ये थी क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की लाइव स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।